तेरी शक्ल तो भुट्टे जैसी, बीच में दांत, अगल बगल बाल। अरे बाल बता, मार दिया चक्कर। तू अभी नई नई ऐसी हुई कि शुरू से बदसूरत थी, और ये कौन है लकड़ बगे के मुंह वाला? तेरे को किसी ने सिखाया नहीं, इतनी आंखें खोल के बाहर नहीं आते, बच्चे डर जाते। सासुमा, ये हमारे घर का नौकर है, नौकर। तूने नौकर भी रखने शुरू कर दिए, बुढ़िया कहीं थी है? और तूने वो कहावत नहीं सुनी, जिन घरों में भैंसे होती है उन घरों में बकरियां नहीं रखी जाती दूध के लिए? सुना, दूध से याद आए जरा, चल भाग के जा, चाय लेके आ मेरे लिए। दूध नहीं है घर में, चाय लेके आ। तो ये बकरी क्या सैंडविच देती है? क्या है मुंह में चला? मेरी सासू माँ आई है, और दूध नहीं, जा जाके बाजार से ले आ, ये ले, रख ले, जा जल्दी जा। सासू माँ, दादी जी अपने बारे में कुछ बताइए। अरे अपने बारे में क्या बताऊँ मैं, एक जमाना था शकुंतला देवी का वो जलवा होता था, जिधर से निकलती थी चक्कू चक्कू गोलियां चल जाती थी। लेकिन गोलियां क्यों चलती थी? अरे गोली अंग्रेजों का जमाने में कमबख्त गोलियां चलाते रहते थे हर जगह, देखो। अरे और तो और शम्मी कपूर ने मुझे देख के तो गाना गाया था, अयो यो करूं मैं क्या सक्कू सक्कू। तुझे वो सब याद है कि भूल गई सब भिखमंगों की बेटी? ये क्या कह रही है आप, मैं भिखमंगों की बेटी नहीं हूँ। आप भूल गए दहेज में मेरे पिताजी ने तबेले की जमीन दी थी। हाँ तो तबेले की जमीन तो देता, जब अपनी भैंस हमारे घर में दे दी तो तबेले की जमीन रख के क्या करता हूँ दादी। अब जल्दी से मेरे को पोता दिखा, पोता पोती का मुंह दिखा, पोता पोती का दिखा रही तुम। इस उम्र में पोता कहाँ से लाऊं? तेरी फिक्र खराब हो रही है, तेरी तो पहले से खराब है। अरे वो तो भगवान ने उठा लिया मुझे टाइम पर, नहीं तो जाते जाते अभी भी तेरी गोद में देवर दे के जाती मैं। तेरे जैसी नहीं हूँ मेहनती, और तो काम चोर कहीं की। काम चोर मैं? दादी बुरा लगा, आप लोग भी तो यही करते ना मेरे साथ, अब लाइए पोता अभी के अभी। ए मेंढक की शक्ल वाली, जब सास बहू की बात चल रही तू बीच में की बोल रही, तेरे नाक पे मुक्का मार के तेरा नागपुर सुझा दूंगी, समझ में आया? सारी उम्र कानों से सूंघती फिरेगी, ये है कौन ये चप्पड़ कद्दू? सासू माँ, ये आपके पर पोता है ना, आपका पर पोता है ना बिट्टू, उसकी बीवी है। क्या बात कर रही तू? हाँ, तूने बिट्टू की शादी मेंढकों के खानदान में कर दी। इसके होंठ तो देखो, ऐसा लगता किसी ने मुंह में मंजीरे फंसा दिए। ए बहू की बहू, ए बहू की बहू, जल्दी आ तू मेरे पांव दबा। ए बहू चल तू मेरे को नाच करके दिखा जरा। हाँ आज नरक में जब से गई हूँ डांस देखने की आदत होगी, जब तक डांस नहीं देखता हूँ नींद ना आवे मेरे को। ये क्या कह रही है आप सासु माँ? बैठ। कितना गंदा नाच किया, कितना गंदा नाच किया, बाहर से सड़क से आके भिखारी भी नाचने लगे तेरे साथ। अब ये भिखारी नहीं है। अरे राजू चाटेश्वर बाबा तुम्हें कहाँ मिल गए? शुक्र करो इस घर में आ गए हैं, 5 मिनट और लेट होता तो अखबार में आते। ये जिस हिसाब से इन्होंने अपना हुलिया बना रखा, 6 कुत्तों ने इनको घेरा हुआ था, सारे के सारे अपने बाप की हड्डी समझ रहे थे इनको। आए आए ये है कौन चुड़ैलों का ससुर? हमारा बात मत कर बुढ़िया, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ चाटेश्वर बाबा, एक चाटा मारता हूँ तो लड़की पैदा होती है, और 2 चाटा मारता हूँ तो लड़का पैदा होता है। वाह, किसी को 3 ना मार देना पता चले बधाई लेनी है कि बधाई देनी, समझ में ना आए किसी को। बीच वाला हो गया ये भी। बाबा चाटेश्वर का अपमान पे अपमान किया जा रही है। शांत बाबा शांत, ठंडे हो जाइए। ये बुढ़िया नहीं है, ये मेरा पोता है बिट्टू, इसके अंदर मेरी सासू माँ शकुंतला देवी की आत्मा घुस गई है। आत्मा? तूने इस आत्मा को बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? मुझे देख करके बड़े बड़े भूत डरने लगते हैं, चुड़ैले कांपने लगती हैं, और बदमाश घबरा जाते हैं। आज इसमें बताने वाली कौन सी बात है, किसी भी इंसान के धड़ पे चमगादड़ का सर लगा दो वो तो डरेगा ही। अपमान पे अपमान, तुझे पता नहीं है कि मैं आत्माओं के साथ में खेलता हूँ मैं? आज मैं भी खेल लेती हूँ, वो भी 3 पत्ती विदाउट लिमिट, आ पत्ते बांटो। पापा तू खेल गुल्ली डंडा। दादी हाँ, आपकी सास भी पत्ते खेलती है? क्या बताऊँ बहू, तेरी बुआ है ना, हाँ वो भी इन पर ही गई है। और आप कहाँ पत्तों के चक्कर में फंस रहे, जल्दी से मेरी सासू माँ को इनके अंदर से निकालिए ना फुसुक। आत्मा को निकालना तो मेरे
बाएं हाथ का काम है। आए बाएं हाथ का काम है तो दाएं हाथ का गन्ने की मशीन में आ गया तेरा। इनके चक्कर में मत पड़, मैं तेरे को बता रहा हूं। ए बहू की बहू, इधर चला, मेरे पांव दबा। आजा 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 आए आजा। ए आत्मा, तू मुझे सीरियसली नहीं ले रही है। अब देख मेरा कमाल। एम एम क्रीम क्रीम क्रीम। ये मंत्र पढ़ रहा है कि कन्नड़ की अखबार की खबरें पढ़ रहा है? अरे अखबार अखबार से याद आया, जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत गए क्या? इस घर में अखबार नहीं आती, जवाहरलाल नेहरू जीत गए क्या? अखबार नहीं आता, रेडियो तो होएगा। जरा रेडियो पर सुन के बता, कानपुर टेस्ट में लाला अमरनाथ ने सेंचुरी बनाई के ना। सासू माँ क्या कहूँ, घर में रेडियो नहीं है। आए हाय, तू रेडियो को रखेगी? तूने घर पे ग्रामोफोन जैसे मुंह वाली बहू जो रखी है तूने? तेरे को पता कुछ? एक काली मैक्सी। काली मैक्सी। डोंट डिस्टर्ब मी, आई मीन आत्मा निकालो प्रोसेस। बाबा नेटवर्क कैच कर रहे हैं। एंटीना गायब है। ए बहू जी, तेरे पति गट्टू की तनख्वाह बढ़ी है क्या? वही 12 रुपए काम कर रहा है। बढ़ गई है, बढ़ गई है। और ओवरटाइम में 9 रुपए भी मिलते हैं। और क्या बताऊँ आपको, अंग्रेजों ने देश में रेल की पटरियां बिछा दी है। मोरारजी देसाई की तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा। वीरू मार्कंड ने सेंचुरी मार दी है। हावड़ा ब्रिज कभी भी खुलने वाला है। इतना ही बस है, ये अपनी जान दे दू। तू मेरे पे चिल्लाई, अपनी सास शकुंतला देवी पे चिल्लाई, शकुंतला दा शक्कू पे चिल्लाई। आज तू नहीं बचेगी, आज तुझे भी लेके जाऊंगी, साथ में तेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। बाबा बाबा जी बचाओ, बाबा बाबा बचाइए, बाबा। अबे ये क्या बचाएगा, ये तो खुद पजामा पहनना भूल गया कमबख्त मारा। तुम दोनों चिंता बिल्कुल मत करो। जी बाबा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हारा बाल छू भी नहीं सकता। क्यों भाई, तो दोनों को गंजी करने वाला है? कर ले कर ले, जितना मजाक करना मजाक कर ले, लेकिन तू इस घर में पल दो पल की मेहमान है। उसके बाद का तेरे फ्लैट में जाऊंगी मैं ठुल्ले। ये घर मेरा है, मेरा है। शकुंतला शक्कू का, शकुंतला शक्कू। मैं इस घर से ना जाऊंगा भी, मैं तो घर में खजाना दुबा के रखा हुआ घर पे। खजाना? हाय खबरदार, जो कोई मेरी सासू माँ को यहाँ से निकालेगा तो सासू माँ यही रहेगी, मेरे दिल में रहेगी। हाय मेरी बहू कितनी अच्छी बजे। कम बगल मारी, जब मैं जिंदा थी तो मेरे बेटे को कहती थी बुढ़िया कम मरेगी, बुढ़िया कम मरेगी। अब मैंने खजाने की बात की तो मेरी सास जा रही है तेरे काम। प्लीज कीप क्वाइट, बंद करो ये फैमिली ड्रामा, अब शुरू होगा बाबा का हंगामा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। बता आत्मा, तो बिट्टू की बॉडी से निकलने का क्या लेगी? 2,70,00,000 बोल कब देगा? बड़ी महंगी बुढ़िया। अब मैं यहाँ अपनी बहू और उसकी बहू की बहू का दिमाग टकाने लगाने में तो बीच में घुसे रहा भाई। मगर आप यहाँ कैसे रह सकती है? आपको मेरे बिट्टू के शरीर से निकलना होगा। मैंने कहा था पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मुझे कब आपने पल्लू में उमराऊ जान बने देख लिया? फ्लो फ्लो में आया तो तुझे मार दिया। ए बात सुनना, हाँ। जब सबको मिल रहा है प्रसाद तो तू क्यों रहे? बाबा <भी। laughs> चाटे सर, बाबा मैं हूँ। सब ये एक दूसरे को चाटे पे चाटा मारते चले जा रहे हैं। अबे चल क्या रहा है यहाँ पर? ए था दिखा तो जरा, ये बड़ा अच्छा बनवाया तूने बेटा। बड़ा तरुण लग रहा है ये, क्या क्या बड़ा अच्छा बनाया तूने। आए बड़ा अच्छा बनाया तूने। बाबा बाबा, ये है हमारे बाबा का, बाबा जी का ठुल्लू। बस करो भाई, भूत तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है और निकाले मेरे अंदर चले जा रहे हो, पीटे चले जा रहे हो। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई किसी की इज्जत ही नहीं करता। तेरे को इससे बच्चा चाहिए, इसको उससे बच्चा चाहिए, उसको तो बच्चा चाहिए चाहिए चाहिए। ये बच्चे बच्चे के चक्कर में इस बच्चे की जान लोगे क्या? अरे इतनी अच्छी फैमिली है, आपस में मिलजुल के रहो, लवी हो सकता है बच्चा भी मिल जाए। लवी डवी। सुना बाबा क्या बकवास कर रहा है? सुन लिया सुन लिया,
सासू माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं भी अच्छी बहू की तरह इस घर में सुख और शांति बनाए रखूंगी। तुम लोग कसम खाओ चाहे दही बड़ा, मैं तो ना जाऊंगी। लगा लिए डेरे। मेरा है, मेरा है, एक मिनट। ये क्या वाइब्रेशन में लगाया हुआ था वहां पे? हेलो, क्या करीना इंटरव्यू के लिए आना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, मत आओ मत आओ, मना कर दो। नहीं, बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, बिट्टू के अंदर मेरी सासू माँ घुस गई। हाँ। नहीं, आइंदा